दोस्तों, सबसे पहले जो लोग पिटे हैं, पहले खुद पुलिस से और फिर बाद में सरकार के द्वारा भेजे गए गुंडों से, उनका क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं। और जिनके ऊपर FIR हुआ है, वो अगर जेल चले जाते हैं तो उनको बस इतना बताना चाहते हैं कि JNU की ग्लोरियस हिस्ट्री में स्टूडेंट एक्टिविस्ट का जेल जाना एक बेहतरीन इतिहास है। 21वीं सदी में इतिहास बनाने का आपको मौका मिला है। और इस संबंध में एक बात मैं आपको बता दूं कि क्या मजेदार है ये यूनिवर्सिटी, कि जब हम पकड़े गए थे और जेल गए थे तो जो कमिश्नर था जेल का, तिहार जेल का, वो JNU का पढ़ा हुआ था और 13 दिन बंद था। ये बात मैं यहां क्यों बोल रहा हूं, ये बात मैं यहां इसलिए बोल रहा हूं कि बार बार घूम करके हर 4-5-6 महीने में न्यूज साइकिल में JNU चलना शुरू हो जाता है। एक तो खुशी होती है, बार बार यूनिवर्सिटी की लड़ाई टेलीविजन पे जगह पा रही है। अब कभी कभी तो चले गए कॉमरेड सीताराम, उनको थोड़ा ईर्ष्या भी हो रही होगी कि हमारे जमाने में इतना JNU टेलीविजन पे नहीं दिखाया जाता था। टेलीविजन ही नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, ड्रोन भी नहीं था। तो अब कई बार हम लोगों को भी लगता है कि देश में इतना सारा मुद्दा है, घूम घूम करके JNU क्यों आता है। तब फिर जब रिकॉल करके देखते हैं तो पता चलता है कि देश का ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसमें JNU नहीं होता है। आप देख लीजिए, कोई सवाल उठा करके देख लीजिए, देश की कोई घटना उठा करके देख लीजिए, चाहे उसका कोई मीडिया नहीं हो, चाहे कोई उसकी बात नहीं कर रहा हो, पूरे देश में अगर एक इंस्टीट्यूट है जो उस घटना की भी बात करता है, वो JNU है। इसीलिए हमको JNU पे गर्व है। अब सरकार को लगता है कि सारी फसाद का जड़ यही है, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन सरकार जाने अनजाने एक बहुत बड़ी गलती कर रही है, ऐसा दुश्मन चुन ली है जो इत्तफाक से दिमागदार है, पढ़ता लिखता है, और इतनी भरी बेरोजगारी में भी, कितनी बड़ी बेरोजगारी है, आए दिन खबर आते रहती है, अरे जानते हो उसका BHU में हो गया, उसका बिहार में हो गया। ऐसी स्थिति में भी कि जब JNU के स्टूडेंट एडहॉक का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, एडहॉक का, परमानेंट का नहीं, तो पूछते हैं कहां से आए हैं, कहता है JNU से। अच्छा बताइए, कन्हैया कुमार का सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? तब इंटरव्यू शुरू करते हैं। बताइए, इन पे दया नहीं आनी चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस का एडहॉक का टीचर का इंटरव्यू देने गए हैं तो फूको के बारे में पूछो, कन्हैया के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि ये पैरामीटर बन गया है देश में, ये पैमाना बन गया है कि अगर आप JNU के साथ हैं तब आप पक्का वामपंथी होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहां खड़ा होकर के ये बात मैं कहना चाहता हूं, ठीक है मैं एक वामपंथी पार्टी से हूं, लेकिन पार्टी का प्रचार थोड़ी करने आए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब अब की बारी अटल बिहारी की सरकार बनी थी तो उस वक्त राम शरण शर्मा की किताब की होली जलाई गई थी, तब भी क्या कहा गया कि वामपंथी इतिहासकार का किताब जलाया जा रहा है, देश का इतिहास जलाया जा रहा था। आज भी जो लोग ये कह रहे हैं कि ये लेफ्ट वर्सेस राइट है, ये पूरी लड़ाई को गुमराह कर रहे हैं। आज की घटना है, अहमदाबाद में, गुजरात में, मोदी जी के राज्य में तो कम से कम लेफ्ट नहीं है, होगा कहीं थोड़ा बहुत, लेकिन लार्जली तो नहीं है ना। आज अहमदाबाद की सड़कों पर NSY के स्टूडेंट को दौरा दौरा के भी पीटा है, वहां तो लेफ्ट नहीं था। मैं इस बात पे जोर देकर के क्यों बोल रहा हूं,
क्योंकि एक फ्रेज जेएनयू में अक्सर बोला जाता है, इफ एवरीथिंग इज नॉट राइट गो लेफ्ट। जब ठीक नहीं है और आप उस पर सवाल पूछेंगे तो आपको पेंट कर दिया जाएगा। पहले वामपंथी कहकर के पेंट किया जाता था, आजकल नया नया शब्द गढ़े गए, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, और मुझे उसका सरगना कहा जाता है। अब्बल तो बात यह है कि अब मैं इसको बदनामी के तौर पे नहीं लेता हूं, मैं इसको पुरस्कार की तरह अपने माथे पे लेके चलना चाहता हूं। और फिर कहता हूं कि सुनो भाई साहब, गलत पंगा लिए हो, बिल्कुल गलत पंगा लिए हो। यूनिवर्सिटी ठीक से चुन लेते, हमको आपके दिल का बात मालूम है कि आप जेएनयू पे हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके दिल में जियो बसता है, जियो यूनिवर्सिटी। वो ऐसी यूनिवर्सिटी जो अभी तक नहीं बनी है, दीवाले नहीं है, जहां गार्ड भी नहीं है कि गार्ड की सहमति से रॉड लेकर के कैंपस में घुसा जा सके, क्योंकि कैंपस ही नहीं है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस है, और वो जब यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस है तो जिसको हर साल राष्ट्रपति पुरस्कार देना पड़ता है, कितना मन होता होगा सोचिए कि भाई रोज इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ ट्वीट करते हैं, हर बार बेस्ट यूनिवर्सिटी का पुरस्कार ले जाता है, ऐसा लगता होगा हा हा इसमें तो मेरा हक था, ये जेएनयू वाले उठा ले गए। और ये जेएनयू से नफरत, एक यूनिवर्सिटी से नफरत नहीं है, एक विचारधारा से नफरत नहीं है, देश होना चाहिए उस देश की परिकल्पना से इनको नफरत है। और वो देश जिस देश में लड़के से ज्यादा लड़कियां पढ़ सकती है, ना आपका जेएनयू ऐसा है, ना हमारा जेएनयू ऐसा, बोलिए बोलिए, मैं यहां से खड़ा होकर देश की किसी यूनिवर्सिटी में रात को 12 बजे अकेले लड़की लाइब्रेरी निकल करके सुरक्षित सेल्फ डिफेंस नहीं पास में रखना पड़े। एबीवीपी की एक लड़की बोली कि सेल्फ डिफेंस में एसिड रखे थे, जब अटैक करेंगे तब क्या करेंगे, अभी मिसाइल लेकर के चलेंगे। सुरक्षित अपने हॉस्टल तक जा सकती है, ये कॉन्फिडेंस है आपको दिल्ली के बाहर की सड़कों पर? पीएमओ के सामने रात को 12 बजे अकेले घूमिएगा जहां मोदी जी रहते हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उनके घर के सामने से गुजरिएगा जहां ये ड्रोन ऑल द टाइम रहता है, ये कॉन्फिडेंस है ना? इस देश के भीतर मेरे साथ रामा खड़ा था, ये रहा, पूछ लीजिए इसके पिताजी क्या करते हैं। मेरी मां सिर्फ आंगनवाड़ी में नहीं काम करती है, इस कैंपस के 40% स्टूडेंट ऐसे हैं, मजदूरों किसानों गरीबों के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के अधिकार के खिलाफ नहीं। ये यूनिवर्सिटी पे हमला टुकड़े टुकड़े गैंग करके जब बोला जाता है तो इस एक शब्द के साथ उस देश की परिकल्पना के ऊपर हमला किया जाता है, जिस देश की परिकल्पना में आज भी रोहित बेमुला को, आपकी इस परिकल्पना को, और वो स्वीकार करते हैं आपकी इस परिकल्पना को, यहां आज यहां खड़ा होकर के कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। हाँ जी बोलिए ना, आपके देश में जहां आप औरत और मर्द के बीच में भेद करना चाहते हैं, जहां आप अगड़ा और पिछड़ा का लड़ाई लगाना चाहते हैं, जहां आप फिर से नए तरीके का छुआछूत हमारे ऊपर थूपना चाहते हैं।